ਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਰਬਤੀ ਨਾਲ ਅਦਰਬਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਾ ਸਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸੇ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਸੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹ ਜੀ ਸਪੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ वो हाफ़िज़े कुरान है। पक्की बात है। आपको ये किसने कहा है? क्योंकि वो उसकी बेटी है। ये भी झूठ बोल रही है। नहीं ना हाफ़िज़े कुरान है मलिदा। इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। हाँ इनकी अपनी प्रॉपर्टी है और वो हाफ़िज़े कुरान है और कुरान को सीने में रख कर वो क्या कर रही है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि इंसान जब हाफ़िज़े कुरान होता है उसके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी आयद हो जाती है। वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता तो की कर दी की रही देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। आपने नाम सुना होगा, दो तीन दिन से स्टोरी एक कर रहा हूँ ननारियाँ चौक की तेल वाली गली की। ये तेल वाली गली में एक पीरनी है जिसका नाम सरताज हक बाबू कहती है अपने आप को, सुल्तान आजम है वो। ये आपने सोचा होगा कि प्लांटेड स्टोरी है। नहीं यासर शमून प्लांटेड कुछ नहीं करता। हाँ बीच में कुछ राजो रमूज निकालने के लिए अपने बच्चे ज़रूर छोड़ देता है। आइए इस कहानी का क्लाइमैक्स करते हैं और दिखाते हैं पुलिस चढ़ गई है इसके पीछे। इलामा इकबाल टोन डिवीजन की पूरी पुलिस चढ़ गई है, गुलशन रावी की, शेरा कोट की, नवा कोट की पूरी पुलिस चढ़ गई है। ये अब कहानी है क्या आपको दिखाते हैं। सबसे पहले शिकार हुए हैं ये भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अब ये सरताज पीरनी के पास कैसे गए, क्या हुआ, मुतासर कैसे हुआ? मुझे पता था पीरनी ये रही है। हैं मैं जा वहाँ फिर क्यों मैं बैठा वहाँ हैं उन्हें मैं दरा नाप दिया की कीते दरा नाप दिया गला नाप पे। हाँ तो करण की क्या था? ओन जी वेहन जा रही हूँ। नहीं वेहन नहीं गया है, कोई इश्को याद आती नहीं वेहन जा रही जानवन गाल दा सी यार। नहीं वेहन जा रही वेहन क्या था? हाँ उन्हें पाया ही बात है जी, वो वेहन जा रही पाया ही बात कर दी। आओ की में बोल दी भाई बोलते हैं सेम वाकई। हाँ अच्छा वो मर्दों की आवाज में बोलती है। ये भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्या नाम बताया आपने अपना नाम क्या? अली अहमद। अली अहमद किया क्या जो बंदर की उसने? उन्हें भैया उन्हें माँ बैठी थी कंदिया पीर है इन पैसा आम लिया पीर साहब ने। हाँ अभी माँ दे रही है। अच्छा माँ कह रही है? हाँ क्या पीर ने माँ लो कह रही है? हाँ सरताज कह रही है? हाँ अच्छा फिर मैं बह दिया वहाँ फिर धूरिया पान लग दी है धूरिया पान लग दी तकदीर लिखी है उसने। तू भी मशूक लबन गया होएगा? नहीं पक्की डोर पक्की मशूक लबन गया है। नहीं नहीं जाके मसला की दसया ही उन मैं तो सीन दसया मैं दवाले हो गई ते की कर दी की रही हैं इधर सोती रही लत्ता वे फिर इधर सोती है फिर सीधे पीते ने तीन इथे बैठी रही है। नहीं तो की कर दी रही सोती रही है सीधे पीती रही है सोती रही की मतलब खड़ी रही है खलोती रही है। अच्छा वो लिस्ट पे ना वो खड़ी खलोती रही को कह रहा तोती रही है ते जो इतने धोती रही है ते फिर इतने तीवें तरी इतने सो रही इतने भी तर गई पूरे ने तीन से लता दो इधर उधर करके। हाँ ते तेरा मुंह कितने सी फिर है तेरा मुंह कितने मुंह इन्हों सी मुंह इन्हों सी लता यानी क्यों दिया इधर सना है। हाँ मैं चले जा ते फिर तेरा मुंह तो कितने ओ रोना चाहिए दस है बेहद है शोभदाबाज औरत लोगों के शरीफ बच्चों को इस तरीके से तुम जहनी तौर के ऊपर मुतासर करती हो। चौक ननारियां के बच्चे हैं ये अहले मल्ला हैं सारे ही तुम्हारा डोंग जानते थे। आइए मैं आपकी एक ऐसे मुदब्बर इंसान से मुलाकात करवाता हूं जो इसी इलाके में रहता है और सुल्तान फ़खर जनाबे सुल्तान हकबाऊ सरकार को बहुत ही ज़्यादा
मनोन मानने वाले शख्स हैं। मैं चाहता हूँ एक मिनट में सैयद सुल्तान हक बहू सरकार का आप जिक्र करें और उनकी हमें तारीफ बताएं और अपना नाम सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद फयाज सुल्तानी है, मैं सखी मोहम्मद नजीब सुल्तान साहब का मुरीद हूँ। माशाल्लाह, शेरावाली सरकार का। मैं समझ गया, उसका मुरीद हूँ। तो एक दिन पहले ना मुझे उसने, उसका जो सा खावंद है, सोनी उसका नाम है, उसने बुलाया मुझे। तो उसने मुझे बोला कि मेरी बीवी आपको बुला रही है, घर में आना। मैं घर गया तो उधर कवाली लगी हुई थी सुल्तान फ़कर की, सुल्तान बाहू की कवाली लगी हुई थी। तो मुझे कहती कि आप मेरे मुरीद हो, मैं आपका पीर साहब हूँ। मैंने कहा तुम मेरे पीर साहब कैसे हो सकती हो, मेरा बुला के कहती। हाँ, तो अपने सारे मुरीद दादा होगा ना कि आप उनके मानने वाले। हाँ, मुझे उनका पता था। अपना नाम बताएं जरा। मोहम्मद फयाज सुल्तानी। अच्छा जी, ठीक है। तो मैंने कहा मेरा पीर साहब एक ही है, खसम एक होता है, दोनों में। वाह वाह वाह, खसम एक होता है। बड़ी बात कर दी तुमने, वाह वाह। मैंने कहा खसम एक होता है, दोनों होते, तुम्हारे जितने भी होंगे वो तुम्हारे होंगे, मेरा एक ही पीर साहब है। वाह वाह। तो उससे अगले दिन 11वीं शरीफ थी, तो यही मैं मामला जो सा उसने मुझे बोला कि मैं आपका पीर हूँ, तुम मेरे मरीद हो, सब मरीदों को बुलाकर इधर लेकर आओ। मैं कहा तू बदकार औरत है, तो मैं इधर क्यों किसको लेकर आऊँ। तो अगले दिन ही सरताज के साथ बात। हाँ, मेरी बात हो रही। अपने आपको हक बहुत कह रही थी। मैं कहा तू झूठी है, तू जो मर्जी कर ले मैं तुझे नहीं मानूंगा। उससे अगले दिन 11वीं शरीफ वीडियो साथ साथ चलती चली जा रही हैं, और अभी तो आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो लड़का मैंने प्लांट करके भेजा था और उसके साथ कैसा दम दरुद हुआ। तो अगले दिन 11वीं शरीफ थी, मैं पीर साहब की कोठी पे गया, 11वीं शरीफ ख़त्म होता उधर फैसल टाउन पी ब्लॉक में, उधर एक शहबाज लड़का पीर साहब का ड्राइवर है, उससे मैंने बात की। मैंने कहा ये हमारे मोहल्ले में ये कर रही है। तो उसने मुझे बोला तूने आपको उसने क्या कहा है। मैंने कहा ये उसने कहा है कि मैं आपका पीर हूँ, तुम मेरे मरीद हो, तो सब मरीदों को इकट्ठा करके इधर लाओ। तो उसने मुझे बोला, उसने कहा वो झूठी है, वो बदकार औरत है, ऐसे तो उधर तो सुल्तान फ़कर की दरबार में सुभान अल्लाह औरतों का भी आना मना है, अंदर दरबार तो ख्वातीन भी नहीं जा सकती, दरबार है जहाँ पे ख्वातीन की ममनूयत है। तो उधर वाहिद ये दरबार शरीफ अकबर का दरबार है, और दूसरा दरबार गोला शरीफ है, गोला शरीफ है। दोनों दरबारों में और सूफी बरकत साहब के दरबार में मिल जाते हैं। दोनों दरबारों में, तीनों दरबार में चर्च नहीं चलती, उधर चर्च नहीं चलती, कोई गले नहीं लगे हुए, कोई गला नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं ऐसा, कोई महकमा औकाफ का कोई इंतजाम नहीं है उधर। सुल्तानुल फ़खर है ही एक। तो उन्होंने बोला ये वाहिद हस्ती है जो सुल्तानुल फ़खर है, जिसकी बैत हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हुई है। वाहिद हस्ती है, सूफिया कराम है, सुल्तानुल फ़खर है, फ़खर के बादशाह हैं। तो ये ऐसी हस्ती हैं के जिन के बारे में कहा जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली पाक आए, हाँ जी, खुद साथ लेके गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में बिठाया जाके, बिल्कुल, और उनको बैत करवाया, बैत करवाया। वो एक मौलवी था ना उस दौरान में, तो उन्होंने बोला ना कि वो भी, उनकी भी इजाज़त थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में बैठने की। तो वो कहता कि यार तुम वली हैं सुल्तानुल फ़खर, तुम पीर साहब है, लेकिन तुम्हें मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में देखा नहीं है। तो सुल्तान फ़खर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कल सही, कल मैं देखूंगा। जब कल हुई तो वो फिर कचहरी लगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सहाबा किराम के साथ बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। तो मजलिस सजी, मजलिस सजी बैठी, तो एक छोटा सा बच्चा आया, पहले सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ में आया, फिर सैयदना उमर फ़ारूक के हाथ में, फिर सैयदना उस्मान गनी के हाथ में, फिर सैयदना उस्मान अली मौला अली पाक के हाथ में, फिर उसके बाद वो जो सा मौलवी था उसके हाथ में आया, वो पीर था, वो पीर था, हाँ। उसके हाथ में आया तो सुल्तानुल फ़खर ने एक छोटा हाथ अपना खींचा, उसकी दाढ़ी से एक बाल तोड़ दिया, हाँ। सुभान अल्लाह। बच्चा था, हाँ। उससे गुस्सा भी आया, हाँ। ये क्या किया इसने, हाँ। उसकी दाढ़ी खींची, हाँ। और बाल तोड़ा, अच्छा। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आप चले गए। तो कल जब हुई उस वक्त, उसके बाद कल आया फिर, कहे आज फिर आप नहीं आए। आपने कहा मैं नहीं आया, आपने एक बच्चा आया था छोटा सा, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना उमर फ़ारूक के हाथों में होते हुए आपके हाथ में आया, सुभान अल्लाह, कहता आया, तो जब उसने आपके दाढ़ी को हाथ लगाया, बाल भी तोड़े थे, आपको गुस्सा भी आया था, वो कौन था, ये आपके बाल हैं और ये मैं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुल्तान हक बहू सरकार है, ये आपकी सुल्तानुल फ़खर की शान है।
शोभदा बाज लोग जब ऐसे सूफिया कराम को जिनका मर्तबा सीधा लड़ियाँ जाकर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और फातह खैबर जनाबे मौला काना कायनात शोहरे सईदा फातमा फातमतुल ज़ारा बतूल सलामुल्ला मौला कायना जनाबे अली मुर्तज़ा वालद हज़रत इमाम हुसैन वालद हज़रत इमाम हसन अल्लाह अकबर इनके साथ लड़ियाँ मिलती हों। तो ये दो नंबर धंधा करने वाली औरतें अपने रिज़्क रोटी को अपने काम को चलाने के लिए दुनिया में बेरा रवि पैदा करने के लिए क्या कुछ करती हैं। हमारे साथ अरफान मौजूद हैं। अरफान आए ज़रा आगे आए आप आएँ आगे आएँ। अरफान आपके साथ क्या हुआ? मैं गया हूँ। आपका मसला क्या था? जो आपके मैं वैसे ही गया हूँ उसको देखने। वैसे नहीं कि मसला था मुझे पता है मसला सच बताएं थे कि हमने प्लांटेड बात मैं वैसे गया हूँ देखने उसका गेटअप सुना था कि बड़ा उसका ना बादशाह आ रही हूँ हाँ तो वो देखने गया हूँ उसको मैं साल ले गया हूँ कजन को मैं कहा चलो आओ जरा देख के। ये मेरा प्लांटेड बच्चा था अकील इसका नाम है इसकी भी कहानी बताते हैं जिसकी आप वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे जब तवीज इसके लिख रही है इसे मैंने भेजा उसने ना अंगूठियाँ तरवा ली मेरी तो कीमती सुने हाँ हाँ मेरी वो 60-70 हज़ार रुपये की अंगूठियाँ थी दोनों ना यार कसम से। अच्छा तो उसने तरवा ली वो कह रही है ना इस मुझे दो इसके अंदर ना मैंने नक्श लिख के देना वापस। अच्छा तो मैंने उसको नहीं उतार के दी तो उसने ना ज़बरदस्ती मेरे से मुंदरियाँ उतरवाई मुंदरियाँ उतरवा ली हाँ तो फिर उसको मार मुड़ के उतरवाई नहीं मेरे कंधों के ऊपर बैठ जाती थी कभी मेरे ऊपर खड़ी हो जाती थी। किस तरह बैठ जाती थी मुझे यानी कि मुझसे एक टांग इधर रखती थी और एक इधर रखती थी सीधी ऊपर तो अपना मुंह किधर रखती थी मुंह हाँ तो फिर आपका मुंह किस तरह चला गया? अल्लाह माफ करे यार क्या रखते करते रहे आप लोग? ओ हम नहीं करते रहे वो हमारे साथ करते रहे मैंने उसका लिहाज किया एक औरत है अब मैं आऊँ सामने से हाँ तो एक टांग उधर कर एक इधर करके तो आपका मुँह मेरे किस तरफ होगा? पेट की तरफ। पेट की तरफ नहीं अगर मर्द होगा तो मर्द की शर्मगाह की तरफ होगा और अगर औरत होगी तो औरत की शर्मगाह की तरफ होगा। प्रोग्राम को बेचने की हद तक नहीं कह रहा हकीकत बयान कर रहा हूँ ऐसा ही है ऐसी ही हकीकत है। ये वाहियातियाँ ये गलाजतें ये औरत आज से नहीं कई महीनों से कर रही थी। कब से चल रहा था? तकरीबन 2-2.5 महीने से चल रहा था। तो मक्के हाँ हमें मुझे जिस दिन पता चला अगले दिन ही मैं चला गया वहाँ पर चेक करने के क्या हो रहा है तो हम खुद ही उधर उधर अंगूठी लुटेगा सारा कुछ हो गया फिर वो एंड तो जाके मेरे सीने के ऊपर बैठ गई उन्होंने कहा अगरबत्तियां तेरे मुंह की जुबान से मिलानियां ने जुबान से लानियां मैं उनके हथी पे आ गया हां मैं उनके हथी पे आ गया मैं धक्का मार के उन्होंने पीछे सुटिया मैं अपने जोगर फड़े से मैं दौड़ लाई बाहर उनका वालिद साहब मेरे को उनका वालिद साहब आया मेरे को तो मैंने कहंदा उन्ना जे हक बहु सरकार आए ने तो बाबे रंग को माफी मांग ले सरकार आप आए ने अल्लाह माफ करे वो तो उनका जहूर तो बड़े खुश जो बशारत होती बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं बड़े पाकबाज़ लोग होते हैं। असी तो औरत दी रिस्पेक्ट की थी ना कि चलो साडा टच ना होवे उन्हें वो भावे कर दी भी असी तो निकलन दी की थी उतो अच्छा निकली दौड़िए मैं कहा बाहर वो फिर मैनू कहे मैं कहे मेरी अंगूठियां थले लै के आ उन्हां कोल मैं उत्थे ही भुल गया उन देंदियां नहीं सी पईयां फिर अगो होया उत्ते बेचारे इन्हें इन्हें फिर फिर तोतला नहीं नहीं है वाला अकील अकील हाँ इन फिर मैं जो क्या मैं अंगूठियां लैके आई नहीं तो इतों मैं जाना नहीं गा नहीं तो फिर मैं 15 से कॉल करा बेचारा मेरी खातर दोबारा अगरबत्तियां मत्थे ते लवांदा रहा उत्ते जा फिर लैके आया उतो उन्होंने कहा उत्ते आहो आ गई ने एक मैं पाई एक घर पई है अच्छा अंगूठी जिस नक्शे एक उ है हाँ एक फरोजे की घर पई से खाली 45 हज़ार रुपये का फरोजा से 45 हज़ार रुपये हाँ जी। नाज़रीन बच्चों को लूट सूट का सिलसिला शुरू किया भाई इस औरत ने तरीका वारदात उसका ये था कि वो बच्चों को बुलाती थी एक उनके साथ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए सेक्सुअल हरकतें करती थी उनको अपनी जान पे अट्रैक्ट करती थी बच्चे बेपनाह अट्रैक्ट हो जाते थे रश महल्ले में लग जाता था अहले महल्ला बेपनाह तंग आए हुए थे। अब जब ये सारी खबरें मेरे तक पहुँची और ये सारे सबूत वीडियोस मैंने शवाहत के तौर के ऊपर इकट्ठी कर लें तो बहैसियत एक सहाफ़ी मेरे दिल ने कहा कि मुझे इसे मज़ीद इस स्टोरी को पुख्ता करने के लिए या इस ख़बर को फाइल करने के लिए एक अपना बंदा प्लांट करके भेजना पड़ेगा। मैंने फ़ौरन से पहले अकील को फ़ोन किया अकील मेरे टीम के उन मुजाहिदों में से है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी कहें तो वो करता है और डरता नहीं है और इसके पीछे साइयों के हाथ भी तगड़े होते हैं। अकील को मैंने कहा कि अकील तुम अपने
जाके बताओ कि तुम मशूक का मामला था और वो तुमसे नाराज़ हो गई और वो मान नहीं रही, अब अकील के साथ क्या हुआ ये ज़रा वीडियो भी साथ देखते जाइए, ये उसी की वीडियो अकील की जिसके नफ्स के ऊपर पांव रखा हुआ है। अगरबत्ती लगाती और अगरबत्ती लगाती क्या हुआ अकील जब आप अच्छा, अंदर गए तो मुझे पता चला इरफान के साथ भी ये सीन हो गया ठीक है, और अली फिर आपको फ़ोन किया। हाँ अली के साथ भी ये सीन हुआ और मुझे पता चला कि और भी बड़ी औरतें उधर जाती रही हैं, उनके साथ भी उधर जुल्म होता रहा, समझ लें कि उल्टा लटा गए ना। नहीं जब हाँ, मैंने आपको भेजा, आपने जब मुझे भेजा तो फिर मैं जब गया हूँ उधर तो उसने मेरे से पूछा, मैं बैठा हूँ तो उसने कहा भैया थले सब तो पहले मेरी अम्मी दे पैरों हाथ ला, मैं उसकी अम्मी दे पैरों हाँ कहनी पै वी वी भीड़ नहीं है वी भीड़ नहीं सब तो पहले इनू हाथ ला, मैं जगी होया तो इंज भज गए ना इंज पैर अगे कर लें हूँ हाथ लुवाण वास्ते, तो मैं पैर पिछे करो कि थापी थूपी मारो मैनू, मैं तु पैरों हाथ लुवाण दे जे, तो फिर इंज थापी थूपी मार के ना मैं उत्ते जाके बह गया, तो मैं बैठा वा फिर तो इंज पाँच मिनट कुड़ियाँ भरन दी रही क की कराना है, मैं गया मैं तुम मनन आया मैं वीडियो बनाया फरमाइए ये उसी की वीडियो है जिसके माथे के ऊपर तवीज लिख रही है नफ्स पे पांव रखा हुआ, तो मैंने देखा कि मैंने इंज कुड़ियां पाइया 5 मिनट उन्हें उस तो बाद इर्द गिर्द तस्बीह लेके ना इस तरह घूमती रही है, मैं क्या पता नहीं केरी काली माता मेरे आले दुआले घूमी जान दी, तो मैं देखने में गया काली माता ही है समझ ले देखने भी काली माता, आपने देखा नहीं है उसको किस तरह वो चलती है क्या उसकी टोर है, तो इर्द गिर्द मेरे घूम रही है तो मैंने उसको इस तरह देख रहा हूँ, तो एकदम से मेरे ऊपर बैठ गई है, ऊपर बैठ गई है पीछे को ना इस तरह टांगे करके इस तरह ऊपर बैठ गई है, मेरे समझ नहीं लगी वो मुझे आए कोई उठे यार आप में से उठे नहीं मैंने को उठ के बैठ के दिखाए ऐसे नहीं नगे ताकि हम आज इसका एक्सपेरिमेंट कर लें, ये बिल्कुल और मैंने दो नंबर प्रोग्राम नहीं करना, मैंने वही हरकत करनी है, इधर आओ बेटा आओ इधर आओ इधर आओ बेटा बैठ के दिखाओ वो कैसे बैठे आओ जरा वो तरीका बताओ पीछे से बैठना है पीछे से बैठे अच्छा पीछे आ जाओ ऐसे बैठा के ना तेरे साथ भी ऐसे ही बैठे हाँ इस दिन ना दूसरे तरीका तो ऐसे ना पीछे बैठ गई है तो मैंने इधर आओ पहले इधर आओ भैया इधर आओ अब इसके साथ बैठ के दिखाओ कैसे बैठी बिल्कुल वैसे ही बैठो इधर आओ बताओ ना इसे कैसे नहीं आओ आगे से आओ ना आगे से अब आप अंदाजा करें इसके साथ वो ऐसे बैठी हाँ हाँ जी नहीं हाँ एंजी बैठी थी एंजी बैठी सी मेरे ने ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਕੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਬਹੁ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਬਹੁ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ आपको क्या बताएं कैसी कैसी मैं हक बहू मैं पीरनी मैं ही सारा कुछ हूँ मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ ऐसे ही समझ ले कि वो बातें कर रही हैं तो मैं उसकी अम्मी की तरफ देखा मैं कह नूं मैनू थले लाओ तो अगों उसकी अम्मी पता ही कह रही है ना ना तेरे गुनाह चरण दे ने तेरे गुनाह माफ़ होने तो मैं उसको कह मैं कह इंज गुनाह चर देने इनू थले लाओ मैं गया तो थले उतरी है तो उसके साथ वो आपने देखा नहीं वो जो डांस करने वाला वीडियो में जो लड़का है तो उसने ना उन्होंने कह दी कि अगरबत्तियाँ बाल तो उसने अगरबत्तियाँ बाली हैं तो अगरबत्तियाँ पकड़ के ना तो मेरी ऐसे ना माथे के आगे लेके आई है तो मैं देख रहा हूँ मैं क्या पता नहीं मेरा डेला बार फिर उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ की है कोई ऐसा हाँ ये एक पता नहीं कौन सा बाबा है कि जरा ज़बरदस्ती दम कर दिया मैं उन्हें कह रहा मैं क्या मैं नहीं दम कराना मैं जान दे कहते नहीं अज मैं तेन दम करके करना है तो वो कह अब भी बीच में ना उसने लड़कियों वाली भी बात कर दी तुम्हारी अम्मी पिछों कह रही नहीं नहीं तू मुंडा है तो कुड़ियों वाली गल नहीं करनी पूरी एक्टिंग में पूरा टब्बर मिला हुआ इनके साथ हाँ बाप भी मिला हुआ बाप भी मिला बाप आया भाई खड़ा हुआ मैंने उसे कहा मैंने कहा इन्हू समझाओ इन्हू थले लाओ कहना नहीं नहीं मैं लग रहा बाबा ही पूरा जलाल च आए अज बाबा ही पूरे जलाल जा गए ने कह रहे बाबा ही पूरे जलाल बाबा ही आ सकते हैं किसी मर्द में जलाल किसी औरत में नहीं आ सकते कभी हो सकते नहीं वो तो दीनी बुजुर्ग थे उन्होंने लाखों करोड़ों बटके लोगों को मुसलमान किया तो मैं वो उसे देख रहा हूँ मैंने कहा कहते ने ही अस्ताना बनाया है तो मंदिर है तो काफरों का अड्डा ये बहुत बड़ा मंदिर है तो मैं फिर उसको कहा कि मैंने कहा मैंने जाना है तो अगरबत्तियाँ पकड़ के ना इस तरह मेरे इधर लेके आ रही तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो हाथ छुड़वा के ना फिर आपके सामने आपने वीडियो में देखा तो ज़बरदस्ती मेरे बाल खींचे हैं इसने बाल खींच के मुझे लटाया और आपको पता आपने इसने कहाँ पे पाँव रखा हुआ ऊपर से इधर आपको पता आपने वीडियो में बताना है पाँव रख ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती दम कर रही है शुक्र है कि अल्लाह का कि वो अगरबत्ती मेरी आँख में नहीं लागी
ठीक है, अगर आँख में लग जाती मेरी इन्होंने आँख डैमेज कर देनी थी पकड़ के। तो उसके बाद मैं पता नहीं किस तरह उधर से जान छुड़वा के उधर से निकला हूँ। ये भी बताएं कि ये वीडियो उनके घर के एक मेंबर से निकलवाई गई। हाँ, वीडियो भी उनके घर में से निकलवाई है, वो दोस्त है उसने इनके घर से वीडियो हासिल की है, वो मेरे तक पहुँची है, फिर वहाँ से मैंने आपको सेंड किया। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन, इस केस को सुलझाने के लिए कितनी मेहनत की हमने, अपना ही बच्चा दाव पर लगा दिया और ये मुझे फ़ोन करके कहता है शमून साहब तुम मैंने कितने पे चढ़िया, मैं ना कर के चढ़िया। मकसद ये था कि लोगों को राह रास्त के ऊपर लेके आए। ये ज़िहफ़ुल इतकादी से कुछ नहीं होता, ये अंडों में से सुइयां निकालना, ये हांडियां उल्टा देना, ये सारे पुराने शोबदेबाजियां हैं। कोई बुज़ुर्ग ऐसा नहीं है जो किसी के अंदर आ जाए, ये वो बुज़ुर्गान दीन है जिन्होंने लाखों करोड़ों साल, आप अंदाज़ा करें कि इनकी ड्यूटियाँ लगी होती, कोई कुहोस है, कोई कुतुब है, कोई मिंबर है, कोई अब्दाल है, इनकी ड्यूटियाँ हैं, इनकी ड्यूटीज़ हैं। ये ऐसे नहीं बैठते, ये अल्लाह के हुक्म उसके फरमान को लेकर के चलते हैं और ये दीन इस्लाम से जो भटके हुए लोग होते हैं उनको मुसलमान करते हैं। जैसे दाता गंजबख्श अली अजवेरी सरकार ने राय राजू को मुसलमान किया, फिर उनकी आज सारी औलाद जो है वो मुजावरों में से गिनी जाती है। बस बदकिस्मत ही है कि हमारे गुरबत बहुत है, हमारे यहाँ औलादें नहीं होती, कई लोगों की बेटियों की शादियाँ नहीं होती, मस्ते मसाइल में गिरे होते हैं, ऐसे ढकौंसलाबाजों के चक्कर में, तवीज़ात के चक्कर में, नक्श बनाने के चक्कर में, को पड़ा हुआ पानी देने के चक्कर में लोग आ जाते हैं। वो खुद हाफ़िज़ कुरान है। कौन? वो जी इनसे पीरनी बनी हुई है, वो हाफ़िज़ कुरान है। हाँ, उसको कुरान पाक मार पड़ेगी उसको। पक्की बात है? आपको ये किसने कहा है? क्योंकि वो उसकी बेटी, ये भी झूठ बोल रही है। नहीं, हाफ़िज़ कुरान है मल्लेदार, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। हाँ, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है और वो हाफ़िज़ कुरान है और कुरान को सीने में रख कर वो क्या कर रही है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि इंसान जब हाफ़िज़ कुरान होता है उसके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी आयद हो जाती है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। लिहाजा सुनी गई अहले मल्ला की और तमाम पुलिस डिवीज़न की जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर इन पर नज़रें गाड़े हुए हैं। ये घर से हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भागे हुए हैं, लेकिन कब तक भागेंगे? बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? तुम लोग धोखेबाजियाँ, फ्राड और ज़िहफ़ुल इतकादियाँ और रंगबाजियाँ करते रहो, मैं तुम्हें पकड़ता रहूँगा। कर लो जो मेरा करना है।